कोई साधारण कन्या नहीं है जनक इस धनुष से तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक यह धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर्ग इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर नजरिए से बन रही है फिल्म फिल्म आदि पुरुष में सीता के रोल के रोल लिए किसे लिया जाएगा और फिल्म में कहां-कहां है वी का प्रयोग नमस्कार दोस्तों मैं स्वाति और बॉलीग्राड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए भाई देखिए जब से पिछले साल से फिल्म आदि पुरुष के बनने की घोषणा की गई है तब से ये फिल्म लाइमलाइट में है ये फिल्म ओम राउत के डायरेक्शन में बनने वाली है और ये फिल्म रामायण पर बेस्ड होने वाली है इस फिल्म में भगवान राम की भूमिका के लिए साउथ के सुपरस्टार प्रभास को लिया गया है और लंकेश रावण की भूमिका के लिए सैफ अली खान को चूज किया गया है फिल्म में सीता के रोल के लिए दीपिका पादुकोण और कृति सैनन के बीच में कन्फ्यूजन थी जो अब फाइनली दूर हो चुकी है और कृति को इस इस रोल के लिए फाइनलाइज किया जा चुका है और वो इस फिल्म की आधी से ज्यादा शूटिंग पूरी कर चुकी है बता दें कि 19 जनवरी 2021 को इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने की घोषणा की जा चुकी है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने बताया कि इस फिल्म में उन तकनीकों का इस्तेमाल होगा जो आम तौर पर भारतीय सिनेमा में कभी नहीं देखी गई है उन्होंने कहा कि भारतीय ऑडियंस को इस बार ऐसी तकनीक देखने को मिलेगी जो आम तौर पर इंटरनेशनल सिनेमा में ही देखी जाती है उन्होंने कहा कि वी का जो इस्तेमाल इस फिल्म में हुआ है वो कभी भी भारतीय ऑडियंस ने किसी और फिल्म में नहीं देखा होगा इतनी कमाल की और इतने बड़े लेवल पर ये फिल्म बनने वाली है अभी फिल्म की शूटिंग बंद स्टूडियो में चल रही है ताकि प्रैक्टिस की, की जा सके एक्चुअल शूटिंग से पहले और इस फिल्म की लोकेशन राम सेतु की लोकेशन जैसी ही होने वाली है क्योंकि दोनों ही फिल्में राम जी पर बेस्ड होंगी तो लोकेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाली है लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है तो दोस्तों डिफरेंस ये है कि ये फिल्म यानी कि आदि पुरुष रावण के प्रस्पेक्टिव से नरेट की जाने वाली है इस फिल्म के डायरेक्टर कहते हैं कि राम जी के प्रस्पेक्टिव से हमने रामायण को कई बार सुना और देखा है लेकिन अब वक्त है जानने का कि रावण के प्रस्पेक्टिव से यह कहानी कैसे बताई जाएगी कि क्या चल रहा था रावण के दिमाग में उस वक्त जब उन्होंने सीता माता का हरण किया था कैसे रावण ने सारी शक्तियां पाई थी शिव जी से और कैसे वो बना एक आदि पुरुष तो दोस्तों मैं जवाब में आपको बताना चाहूंगी कि रावण के अंदर पूरे विश्व पर कब्जा करने की लालसा थी जिस कारण उन्होंने शिव भक्ति भी की लेकिन बाद में क्योंकि उनके मन में छल और कपट आ गया था तो शिव जी ने उनकी सारी शक्तियां वापस ले ली थी अब सवाल ये है कि इतना ताकतवर और इतना शक्तिशाली होने के बावजूद क्यों किया था रावण ने सीता माता का हरण तो इसका जवाब ये है कि रावण एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी व्यक्ति था उसने वेदों का अध्ययन भी किया हुआ था लेकिन इसके बावजूद उसके मन में एक पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाने की लालसा थी वो सीता माता को पाना चाहता था जबकि सीता माता इसके बिल्कुल अगेंस्ट थी तो दोस्तों हुआ क्या था कि जब सुरपनखा ने आकर उसे बताया कि सीता माता जैसी कोई स्त्री है जो विश्व में सबसे सुंदर है तो उसके मन में कामतुर जाग उठा और वो सीता माता को पाने की इच्छा रखने रखा जब सुरपनका ने उसे कहा था कि वो सीता माता रावण के लिए एकदम उपयुक्त है क्योंकि उस जैसी खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है तब से रावण के मन में ये आ चुका था कि वो सीता माता को किसी न किसी तरीके से पा कर रहेगा और तभी उसने सोच लिया था कि वो राम जी और लक्ष्मण जी का वध कर कर सीता का हरण कर लेगा अब जब रावण ने सीता माता का अपहरण करना और राम और लक्ष्मण पर हमला करने का डिसाइड किया तब उनके मंत्रियों ने उन्हें कहा कि कुछ भी नहीं मिलेगा आपको अगर आप दो तुच्छ मानवों पर हमला करेंगे इससे बेहतर यह है कि आप छल और कपट से सीता माता का अपहरण कर ले और रावण को भी ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा और उन्हें लगा कि ऐसा करने से सीता माता उन्हें जल्दी मिल जाएंगी और उन्होंने सोचा कि सीता माता से बिछड़ जाने के दुख में ही राम अपने आप अपने प्राण त्याग देंगे और उन्होंने किया भी ऐसा ही उन्होंने छल और कपट से सीता माता का अपहरण कर लिया और इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि क्या रीज़न था कि वो सीता माता को कभी भी छू क्यों नहीं पाए और ऐसा इसलिए था कि एक बार इंद्रलोक की कप्सरा पर बुरी नज़र डालने के कारण रावण को ये श्राप मिला था कि अगर वो किसी भी स्त्री को बिना उनकी इजाज़त के छुएंगे तो उनका सर सौ टुकड़ों में फट जाएगा और यही कारण था कि वो सीता माता को कभी भी हाथ नहीं लगा पाए तो ऐसी ही कुछ होने वाली है इस फिल्म की कहानी पर किस एंगल से दिखाई जाएगी अभी ये कंफर्म नहीं है पर यही अच्छाई और बुराई की जीत इस फिल्म में दिखाई जाने वाली है ये फ़िल्म को तेलुगू और हिंदी में शूट किया जाएगा और उसके साथ साथ तमिल मलयालम और कन्नड़ जैसी कई लैंग्वेजेज़ में रिलीज़ किया जाएगा ये फिल्म आने वाली है बारह जनवरी दो को तो अब आपको करना ये है कि हमें बताना है कि आप ऐसी ग्रैंड फिल्म के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि भाई देखिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और इस फिल्म से तो जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियोस में देती रहूँगी तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सिनेमा देखते रहें नमस्ते